नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र में बारिश झमाझम हुई है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं केरल के कुन्नूर ज़िले के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के कन्नूर में शनिवार और रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने भूस्खलन के खतरे के कारण शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी अचानक मौसम ने करवट ली है। भुवनेश्वर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। बता दें कि मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। ये सभी राज्य इन दिनों उमस और गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही धान की फसल को भी बारिश से फायदा पहुंचेगा। वहीं दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 22 सितंबर को बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 22 और 23 सितंबर को भारी बारिश की भविष्यवाणी हुई है। वहीं 19 और 20 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह की चेतावनी 21 से 23 सितंबर तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए भी जारी की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।